हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस GCP ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम बिलिंग को इनेबल करते हैं, बिकॉज विदाउट इनेबल बिलिंग यू कैन नॉट यूज़ मेनी रिसोर्सेज। फ्री ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री दैट यू कैन यूज़ विथ योर ट्रायल अकाउंट, बट मोस्ट ऑफ इट यू कैन नॉट यूज़ विदाउट इनेबलिंग योर बिलिंग, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको अगर बिलिंग इनेबल करना है तो कोई भी रिसोर्सेज पे जब जाइएगा तो आपको वो वहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि सबसे पहले आप अपना बिलिंग इनेबल कीजिए। लाइक हमको यदि क्लाउड फंक्शन बनाना है, जैसे हम क्लाउड से सर्च करेंगे, मैंने कल बताया हुआ था पिछले ट्यूटोरियल में कि आपको जो भी चीज़ सर्च मारना है, जो भी रिसोर्सेज सर्च मारना है, यू कैन सर्च हियर एंड यू विल बी गेटिंग दैट रिजल्ट हियर। सो आई नीड टू क्रिएट अ क्लाउड फंक्शन, सो जस्ट आई एम गोइंग विद दैट। तो क्लाउड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, क्लाउड फंक्शंस के ऑप्शन पे, एंड उसके बाद यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस UI क्लाउड फंक्शंस। पहले जो भी आपने क्लाउड फंक्शन बनाया होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ बिकॉज माय बिलिंग इज़ नॉट इनेबल्ड। सो यू कैन यूज़ क्लाउड फंक्शन आफ्टर यू इनेबल बिलिंग। तो सबसे पहले जाना है मुझे इनेबल अपना बिलिंग करना है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट हमारा ये बिलिंग सेक्शन भी इसका रहता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं बिलिंग अकाउंट करके। तो जब ये आप इस पे जाइएगा तो मैं दूसरे टैब में इसको ओपन कर दे रहा हूँ, देन डायरेक्टली इट विल टेक यू टू द बिलिंग पेज वेयर यू कैन सी ऑल योर बिलिंग अकाउंट्स इफ़ यू हैव इनेबल्ड एनी। तो यहाँ पे देखो, दिस प्रोजेक्ट हैज़ नो बिलिंग अकाउंट। तो सिंपली आपको जाना है लिंक अ बिलिंग अकाउंट एंड देन यू विल सी नो एक्टिव बिलिंग अकाउंट, अगेन गो टू मैनेज बिलिंग अकाउंट। यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट नहीं है, देन यू हैव टू क्रिएट वन बिलिंग अकाउंट एंड यू कैन कीप एनी नेम। सो इन माय केस आई हैव कैप्ट नेम ATS ट्यूटोरियल बिलिंग, करेंसी INR सिंस आई बिलोंग्स टू इंडिया। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है आपको और ये आपको आपके पेमेंट मेथड के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका कार्ड भी। तो ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेमेंट मेथड मैंने पहले ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, आप अपने अनुसार ये कार्ड ऐड कर सकते हैं। गाइस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, लाइक बिलिंग इनेबल का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा कट जाएगा तुरंत, ठीक है। आप पे पर यूज़ है, कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना पे पर यूज़ होता है, जितना यूज़ कीजिएगा उतना आपका ये बिलिंग आएगा। बट आपको बहुत ही समझदारी से यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं कि आप कोई वर्चुअल मशीन या क्लाउड फंक्शन रन करके छोड़ दिए जिसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे और वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो उसका बिलिंग इनेबल होने से वो बिल होता जनरेट होता रहेगा, उसका चार्जेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए सीखने के बाद तुरंत उस रिसोर्स को डिलीट कर देना एक अच्छा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, मैं भी वही करूँगा, आगे हम देखेंगे। तो मेरा ये कार्ड इस पर ऐड है, उसके बाद आपको सबमिट एंड इनेबल बिलिंग करना है। इसके बाद ये वेरीफाई करेगा कि आपका कार्ड ऑटो पेमेंट के लिए अवेलेबल है कि नहीं, इनेबल है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए वो आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाएगा एंड देन यू विल हैव टू पे ₹2 अ मिनिमल चार्ज दैट विल बी रिफंडेबल। तो वो OTP पहले आपको डालना है जो आपके मोबाइल पे जाएगा, जो आपके कार्ड से लिंक्ड है। इन माई केस आई एम सबमिटिंग माई OTP। And just never, this is secure payment using, so it is still processing. Yeah, so I think my billing is enabled and now I can proceed it for any resources. आप देख सकते हैं कि अभी हमारे अकाउंट में कोई भी डिडक्शंस नहीं हुए हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है। बट आप जैसे जैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे ये चार्जेस बढ़ सकता है एंड देन यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, सो इन माय केस आई डिड नॉट क्रिएट एनी रिसोर्सेज, डिड नॉट यूज एनी रिसोर्सेज, सो ये भी जीरो है। ओके, तो ये प्रोसेस था कि कैसे बिलिंग इनेबल करना है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको सारा रिपोर्ट्स देखेगा कि कौन कौन सा रिसोर्स कितना कितना चार्जेस लिया है, वो सारा रिसोर्सेज। तो इन माय केस स्टिल देयर इज़ नथिंग हियर,
जब मैं यूज़ करूँगा और ये सब जनरेट होगा तो मैं आपको एक बार दिखा दूँगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही समझदारी से यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ रिसोर्सेज बनाए जिसका यूज़ नहीं है और उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए, तो वो बैकग्राउंड में जब जब रन करेगा उतना चार्ज करता रहेगा। चार्जेस भी मिनिमम होते हैं, बट कोई कोई रिसोर्सेज होता है जो हाई कॉस्ट होता है, बट ये बकेट, क्लाउड फंक्शंस, ये सब मिनिमल, बहुत ही मिनिमम चार्जेस भी अवेलेबल हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में और GCP में। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे क्लाउड फंक्शन को क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। ओके।